धार जिले के मनावर तहसील मुख्यालय के समीप अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन की लापरवाही से आए दिन मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में आज सोलर प्लांट में कार्यरत 38 वर्षीय मजदूर दिलीप पिता दशरथ की करंट लगने से दर्दनाक मृत्यु हो गई। मजदूर की मौत की खबर के बाद परिजन व सैकड़ों ग्रामीण फैक्ट्री पर पहुंचे और फैक्ट्री परिसर में मृतक के शव का रखकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही इसी फैक्ट्री में एक मशीन में आ जाने से एक मजदूर की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। तब भी मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने फैक्ट्री परिसर में जमकर हंगामा किया था। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों के लिए सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसका परिणाम है कि आए दिन कोई न कोई मजदूर दुर्घटना का शिकार हो रहा है। इसको लेकर प्रशासन भी गंभीर नहीं है। अगर मौत का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा तो किसी दिन यहाँ कोई बड़ी घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.